नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ भी। रीवा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी अपने निज निवास अमहिया में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान श्री तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इन दिनों देश का किसान और आम आदमी पूरी तरह से परेशान है, समस्याओं के बाद समस्याएं डाली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सी दुश्मनी का बदला जनता से ले रही है किसी को नहीं मालूम। भारत कृषि प्रधान देश है, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा किसान है, लेकिन कृषि और किसान को ही सरकार प्रताड़ित कर रही है। आज कृषि बिल के चलते जहां किसान परेशान है, वहीं किसान से जुड़े मजदूर, श्रमिक, अन्य सभी वर्ग के लोग पीड़ित हैं। केंद्र सरकार अडानी अंबानी के लिए कीमती बढ़ा रही है। आइए सुनते हैं सिद्धार्थ तिवारी ने क्या कहा। मैं जिले में आता हूं, हमारे जिले में तो एक बड़ी अनोखी सी स्थिति है। आम आदमी किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में जाकर के आप पूछ लीजिए, उनसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछिए, जितने लोग पात्र हैं क्या उनके राशन कार्ड बन रहे हैं। राशन कार्ड शिवराज जी और उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा क्योंकि उनके पास भरा हुआ है, लेकिन एक गरीब के लिए राशन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसका जीवन उस पर आधारित होता है। गरीबी रेखा, हमारी कांग्रेस की सरकार ने गरीबी रेखा में जो आते थे पेंशनधारी, उनको 300 से 600 कर दिया, और वो 600 रुपए लेने के लिए बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। सरपंच से लेकर तहसीलदार कार्यालय से लेकर के कलेक्टर के ऑफिस तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पटवारी सीमांकन से लेकर के फसल चढ़ाने तक के मोटे दाम ले रहे हैं, तहसीलदार का भी उसमें कट है, एसडीएम कलेक्टर तो बहुत बड़े अधिकारी हो जाते हैं। मारी मारी जनता घूम रही है, और अब थोड़ी गर्मी के बाद पेयजल संकट भी आ गया है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन मदमस्त है। जनता के इस स्थिति में जब प्रशासन ना सुने, जब प्रशासन में सुनवाई ना हो आम जनता की, जो कि आम जनता के सेवक हैं, तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का काम होता है कि वो जाएं और जनता की बात रखें। लेकिन जनप्रतिनिधि तो सत्ता के मद में मस्त हैं, आठों विधायक और सांसद, ना ये लोगों के पास जाते हैं, ना ये अपने लोगों की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि जनता इनको वोट दे या ना दे, ये तो खरीद फरोख्त करके सरकार बना ही लेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से अपने विंध्य को और जिले को बता देना चाहता हूं कि जो काले कानून ये तीन आए हैं, इसमें जितनी मोहर नरेंद्र मोदी जी की है, उतनी ही मोहर जनार्दन मिश्रा जी ने भी इसमें लगाई है, क्योंकि वो भी एक संसद के सदस्य हैं। उतने ही कलम में दम है जितना नरेंद्र मोदी जी के, और इन सब ने मिलकर काला कानून पारित किया है। इसलिए जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के इससे बच नहीं सकते, इस पे उनको बात करनी पड़ेगी, और किसान का जो आंदोलन चल रहा है इससे वो बच नहीं सकते। हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों की एक मीटिंग हुई थी 16 फरवरी को, उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए। दोनों लगा के चलेंगे, अडवाणी जी का देखते हैं कहां चुने हुए हैं। कांग्रेस ने उसमें एक नवाचार किया है, जैसे पहले भी एक ही मंच बनते थे, तब दो मंच देखे गए, फिर वरिष्ठ नेता जो थे, बहुत पुराने सीनियर लीडर थे, वो मुख्य मंच में ना बैठ करके उनको दूसरे मंच में बैठाया गया। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस यहाँ अपने आप में बताना चाहती है कि मैं दो गुटों में हूँ, तीन गुटों में हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मंची व्यवस्था से कोई गुट होता है। संभाग का कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, लीडर्स बहुत सारे आए हैं, हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, तो हो सकता है कि उनको दो मंचों में डिवाइड करना पड़ा हो, कुछ सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल भी होते हैं, लेकिन मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे, चूँकि आपको मालूम है मेरे पास कोई पद नहीं है पार्टी में, तो मैं मैं इसकी मंची व्यवस्था का जिम्मेदार नहीं था, लेकिन जो थे सोच के कुछ लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद आप भी एक बड़े नेता के रूप में रीवा में जाने जाते हैं, ये लोगों के ये मानना है। फिर आप तो शुरू से हैं, आपको बहुत सारे पूर्व विधायक भी वहाँ बैठे थे। एक एक्चुअली क्या है, देखिए जी, कि बड़ा कार्यक्रम था संभाग स्तर का, 30 विधानसभा है, 30 विधानसभा के कैंडिडेट आएंगे,
लोकसभा कैंडिडेट्स आएंगे, सब जिला अध्यक्ष आएंगे, तो सब अगर एक मंच पे बैठते तो एक अव्यवस्था का वातावरण बनता। उसको किसी तरीके से ये कोशिश की गई कि दो भाग इसलिए कर दिए गए कि जिससे मंच पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, दिक्कत ना हो, इस कारण उन्होंने एक कैटेगरी की। और रह गई बात कि इन्होंने या किसी ने उसमें क्या भूमिका है, तो देखिए ये कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी संगठन की थी, जिला संगठन की थी, और तो जिला संगठन ने अपनी एक रूपरेखा बनाई और तैयार की। मुझे लगता है अच्छे अच्छा कार्यक्रम हुआ संचालकों के। अभी जो आपका ये दो मंच बने थे, टीम ए बी कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जो टीम बी थी वो G23 थी, आपकी बड़ी नहीं, नहीं मैं खुद ही G20 टीम में था, आपकी नजदीक और ये ए टीम में थे। कल वहाँ व्यवस्था ये थी कि ये ए टीम में थे, पर ये टीम दूसरा मंच का, मैं बी टीम में था, पर आप दोनों साथ में नहीं। पर्दा जो लगा था वो ये निकल रहा था कि चिरमन से झांक भी ना सके मंच की ओर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मंच दिख रहा था, और कोई तरीका यही था कि दोनों मंच जोड़ देते तो और बड़ा बनता, तो बड़ा बनता थोड़ा भगता।